इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। खान साहब की हुकूमत में या इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तब्दीली आ गई है, मैं जेलों में डाल रहा हूँ। तब्दीली आई कोई नहीं, आई नहीं है। क्या तब्दीली आई, चले मुझे बताएं। तब्दीली है, गरीब आदमी तो मर रहा है भूख से, हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा। आसान क्या है, कुछ भी नहीं है आसान है, कोई चीज़ आसान नहीं है। ये जो चीनी 20 रुपये नीचे लेकर आए हैं, कब आई है ये? आई है ना, हुकूमत ऐलान की है। 100 रुपये तो 115 रुपये, 100 रुपये तो मिल रही है, फिर 93 रुपये पे आ गई थी, फिर 100 रुपये मिल रही है, 110 रुपये में चली गई है, चली गई। कितने दिनों के लिए होता है कि नीचे आती चीज फिर गायब हो जाती है? ये उनको पता है किसको अमीर करना है, किसको गरीब करना है। इमरान खान साहब, हुकूमत सही चला रहे, गवर्नेंस ठीक है? हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मामलात सही जा रहे हैं? नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। आता क्या, कुछ भी नहीं आता हुकूमत करने में। नहीं, बड़े मंजे हुए सियासतदान है, 22 साल से सियासत कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं आता उसको। कोशिश तो कर रहे ना, पिछले वाले खोल के कहते दो मोरिया पुल एकदम तो ठीक कर देंगे ना। कुछ नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए इसको बैठे हुए, क्या इसने किया? मैं डैम बना दूंगा, ऐसे ही किया, महंगाई करी जा रहे हैं बस, महंगाई। मैं तब्दीली लिया, कड़ी तब्दीली आई, कुछ भी नहीं तब्दीली आई। ये आप जो तब्दील हो जाए, चंगा हो, चल जाए, इस्तीफा दे के चल जाए। बड़ी बेहतर। इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन मसाइल पैदा करती है, अगर अपोजिशन पैदा कर रही है तो फिर आपको समझ आ रही है कि आने वाले वक्त में मामला ठीक हो जाए? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप खुश नहीं लग रहे मुझे आप बहुत ज्यादा। ठीक है अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आटे का, चीनी का, दाल का, साबुन का? महंगाई इतनी, कहाँ से पूरा करें? सब इमरान खान को दुआ दे रहे हैं। इमरान खान साहब ठीक नहीं कर रहे काम, कहाँ कर रहे हैं, हर चीज पे तो महंगाई है। अरे वो तो कहते हैं कि हम हमदर्द हैं। कोई हमदर्द नहीं है, सब ये उतर जाए तो अच्छा है ना, किसी का भला हो जाएगा, इस्तीफा दे के चला जाए अपने घर में। हुकूमत सही नहीं चला रहे, वो चल नहीं रही, चल नहीं रही। क्रिकेट खेलेंगे जाकर? नहीं, अब तो क्रिकेट भी नहीं खेल सकते ना अम्मा जी। खेल लेंगे वो? नहीं नहीं, अभी नहीं खेल सकते, अब उम्र ज्यादा हो गई है। कोई मशवरा देंगे इमरान खान साहब को? क्या कहें उसे, उसे खुद समझ होनी चाहिए। प्यार से कहते हैं अम्मा जी, गुस्सा लग रहा है मुझे आपका। हमें तो इस बात का गुस्सा है कि ये तर क्यों नहीं जाता। जिंदगी पहले आसान थी, अभी आसान है? पहले आसान थी तो बहुत मुश्किलों में। कितनी पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले आसान थी जब नवाज शरीफ बैठा था। अच्छा, ये देखो सब जगह पे गंद ही गंद है, कहीं सफाई है, कहीं भी सफाई नहीं है। ठीक है, आप कैसे ही कह रही है अम्मा जी? बिल्कुल सही कह रही है। गुस्सा है, हमारा लाहौर इतना साफ था, कहीं हमें कूड़ा कचरा कभी नजर नहीं आया था। अब आप मेन सिटी रोड पे देखिए कितना कूड़ा कूड़ा। नहीं, आपको सही काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टम सही नहीं चल रहा। नहीं तो 2.5-3 साल में क्या पता चलता है किसी भी हुकूमत का? 3 सालों में क्या करा उसने, कोई तरक्की करी पाकिस्तान की सिवाय अपना भला करा उसने, अपने लीडरों का? महंगाई के साथ आमदन बढ़ी है? कोई भी नहीं बढ़ाई उसने। नहीं, आमदन बढ़ी नहीं है, आमदन बढ़ गई है लेकिन चीजों का रेट देखे ना, इंक्रीज करके कहाँ चले गए हैं। आप ग्रोसरी करने जाए तो हमारा एक बजट होता था, बिल्कुल ग्रोसरी में दो चीजें आ रही है, उसमें किसी वजीर आजम ने कभी कोई अपनी रिहाइश छोड़ी है? तो उनकी सभी रिहाइश है, आजादी सब पाकिस्तान की कमाई है। तो नवाज शरीफ साहब का भी तो राय में बहुत बड़ा महल है। नहीं, महल उसका है हक लाल की कमाई का, इसे तो बेईमानी कर करके। नहीं तो इनका भी हक लाल क्रिकेट खेल के पैसे जमा होते हुए हमें कभी कूड़ा नजर नहीं आया था। हमारा लाहौर शहर बड़ा नीट एंड क्लीन था, यहाँ पे तो कचरे के ढेर लग गए। यहाँ महंगाई को एक साइड पर रख दे, जो ताकत फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही है, आप उन चीजों को नोट करें। नहीं, महंगाई से लोग कह रहे थे हम तंग है, आप महंगाई से तंग है? नहीं, बहुत ज्यादा तंग है। कितने फीसद महंगाई हुई है आपसे पूछा, बजट कैसे बनता है आपका? बच्चों को वीकेंड पे लेके जाते थे, अब हम नहीं लेके जाते, महीने लेके जाते हैं बच्चों को बाहर, बस लेके जाते हैं बस। आप ये तो पूछे नाना, क्योंकि हालात को तंग कर दिया, बहुत तंग कर दिया, टाइट कर दिया। अगर हम वहाँ पे हम खुद जाके उतार दें उसे, हमारा बच चले तो इमरान खान साहब को। हाँ, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है। ठीक है, आपको भी लग रहा है महंगाई है? हमारे प्राइस ज्यादा से आगे आ जाए, बता नहीं सकती हूँ। लंडे का भी ले रहे हैं तो वो भी नहीं हम पहन सकते, लंडे की चीजें भी पहनना हमारे लिए मुश्किल हो गया है।
इमरान खान को खुद सोचना चाहिए कि बैठ के उसने ना बदलाव करना था, नया पाकिस्तान बनाया था। क्या पाकिस्तान बनाया? कुछ नहीं बनाया, बेड़ा गर्क कर दिया, कारोबार नहीं है घर में। नहीं, इमरान खान साहब सही गवर्नेंस नहीं कर रहे, भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? इतनी महंगाई बताए, लंडे के कपड़ों जो है ना वो दो दो चार चार पाँच पाँच सौ का लंडे का कपड़ा सर्दी में ठिटकते आए। जब लंडे का नहीं अच्छा मिला तो दूसरा मालूम कैसे ले। मजदूर गरीब की हुकूमत आएगी, हमारी हुकूमत गरीब की हुकूमत है ना, हम गरीब को सहूलत देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी गुजर रही है इमरान खान साहब की हुकूमत? बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजर रही है। अब दो टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो ये इनकी गवर्नमेंट एक शख्सियतों की गवर्नमेंट है, जो ऐसी बातें थी इनकी, दिखाए अच्छे अच्छे। हाँ, बस एक डायलॉग थी इनकी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बल्कि उन्होंने लोग काफ़ी आवाम को बेरोजगार कर दिए, उन्होंने कुछ नहीं दिया आवाम को। और नहीं, आप नहीं समझते कि शायद हो सकता है एक डेढ़ साल में बेहतर हो जाए चीज़ें? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, बल्कि बदतर होती जा रही है, तो होती है ना, बल्कि बदतर होती जा रही है रोज रोज बरोज से। जबकि उन्होंने टारगेट दिए थे क्या 10 साल या साल की, लेकिन अब तो ये हो गए कि कितने अर्सा गुजर गए, लेकिन अब आगे भी इनसे कोई तवक्को नहीं है हमारी। अच्छा, क्या चीज महंगी हुई है ज्यादा? कौन सी चीज महंगी, कौन सी वो चीज में बताओ, कौन सी चीज वो रह गई हमसे, उनसे कौन सी चीज वो रह गई? सब कुछ, आटा से लेकर दाल से लेकर सब कुछ, कौन सी चीज रह गई? अमीर गरीब सबके सभी परेशान है। अब गरीब तो गरीब है, बल्कि अमीर लोग परेशान हो गए। आपको लग नहीं रहा कि ये जो 20 रुपए 25 रुपए चीज नीचे लेकर आते हैं, चीनी नीचे लेकर आते हैं, चीजें नीचे लेकर आते हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा? 20 रुपए 25 रुपए वहाँ से फिर आगे टैक्सेस बढ़ा रहा है, टैक्सेस भी बढ़ गए 20 रुपए 25 रुपए। कुछ दर पहले तो ये महंगा करके, फिर बाद में फिर 10 रुपए 20 रुपए सस्ता करके, इससे तो कोई फायदा नहीं होता। अंकल जी आप बताए, वो कहते हैं हमें हुकूमत ही ऐसे मिली थी। हुकूमत आ रहे हैं, जो दौर आ रहा ना उनको हुकूमत ही ऐसे मिलती है। हाँ। वो खुदा ने तो उनको सबको खाली मिलते हैं। हाँ। किसी हुकूमत ने अच्छा, ये मुझे बताया अंकल, आपको और मुझे कैसे पता है कि खजाने खाली है? मैं तो बताया जाता है खजाने खाली है। जो भी आने वाली हुकूमत वही कहती है खजाना खाली है। हालांकि जो गुजर के जाते हैं, हाँ। जो निगरान हुकूमत होती है, जो रिपोर्ट पेश करती है, वो बताते हैं कि उन्होंने बताया कि जनाब ना बिजली का मसला है, तफसील ठीक है, ना दूसरे मसाइल का सामना है, खजाना भी ठीक है। वो जो भी हुकूमत ज्यादा दौर के बाद जो भी हुकूमत आई है, उन्होंने यही कहा कि खजाने खा दिए। जब नई हुकूमत आती है वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं, अब मैं नया काम शुरू करूँगा, टैक्स लगाऊंगा या चीज़ें बढ़ाऊंगा। तो फिर ये इमरान खान साहब ने 22 साल सियासत की है, उनकी हुकूमत चलानी आ गई है कि नहीं अभी नहीं आई? नहीं, मुश्किल है। तो गाइज़ ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान से परेशान हो गई है, और इमरान खान की सिलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या क्या बोल रही है। इस तरीके के रिएक्शन हर रोज़ आ रहे हैं और हर रोज़ आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें हालाँकि इमरान खान की भी ज़्यादा कोई गलती नहीं, इमरान खान इतनी लंबी लंबी छोड़कर आए थे कि उन्हें पूरा करना तो अल्लाह के बस का भी नहीं था। इन्होंने ऐसे इस तरीके की बातें करी थी कि आपको पता होगा कि अब आप शायद इनकी वो बातें सुने तो वो इम्पॉसिबल सी बातें थी, और इनकी गलती नहीं है। इनमें बेसिकली इनको लाया गया था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और पाकिस्तान आर्मी के इस जनरल को आप देखते होंगे, ये जनरल है आसिम बाजवा। आसिम बाजवा ने पाकिस्तान आर्मी में ज़बरदस्त तरीके से काम किया और इतना पैसा कमाया कि इन्होंने लगभग पापा जोन्स नाम की एक कंपनी बनाई, जिसके US में 100 से ज़्यादा स्टोर है। मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी बड़ी होगी, US जैसी जगह में अगर 100 से ज़्यादा स्टोर है आपके पास, तो आप डेफिनेटली एक बहुत बड़े आदमी होंगे। तो इस तरीके की अब आर्मी है जो पैसा लूट लूट कर विदेशों में इन्वेस्ट कर रही है, और रिटायरमेंट के बाद बाहर सेटल होने का प्लान है। तो डेफिनेटली आपको इस तरीके के ही रिज़ल्ट मिलेंगे। और पाकिस्तान में एक रूल भी है, वो डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं। इंडिया में आपको पता होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप दुनिया में किसी कोने के नागरिक नहीं होते, अगर दुनिया के किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो आप इंडिया के नागरिक नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान आर्मी को एक एडवांटेज है, पाकिस्तान आर्मी के पुराने जो जनरल्स हैं उनकी ये आदत रही है कि पाकिस्तान में रिटायरमेंट होने के बाद पाकिस्तान के बाहर सेटल हो जाओ, अच्छा पैसा लूट ले जाओ, और इस तरीके के वो काम करते रहे हैं। तो इसी तरीके का काम इन्होंने भी किया है। और इमरान खान को लेकर जो पब्लिक रिएक्शन आया वो डेफिनेटली काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि पब्लिक को क्या है, पब्लिक को सस्ता आटा चाहिए, सस्ती चीनी चाहिए, सस्ता बिजली चाहिए, ये सब चीज़ें सस्ती चाहिए, और पब्लिक को ये सब चीज़ें सस्ती मिल नहीं रही है। पाकिस्तान में आपने देखा किस तरीके से आटे के रेट लगभग 150 रुपये तक पहुँचे हैं, और चीनी और बिजली के रेट भी बहुत ज़्यादा हैं,
और पाकिस्तान ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे आटा नहीं होता। पाकिस्तान में आपको पता है पंजाब का जो पार्टीशन हुआ था तो 70% हिस्सा पाकिस्तान के पास गया था, तो वहाँ अच्छी खासी मतलब वीट की फसल होती है, और सिंध का इलाका भी अच्छा खासा मतलब फसल जहाँ होती है, तो समझ सकते हो आप इस तरीके। इसके बाद भी पाकिस्तान अगर गेहूँ का उत्पादन ही नहीं कर पा रहा है तो फिर ये दिक्कत वाली बात है, और पाकिस्तान की जनता तो परेशान होगी। और पाकिस्तान आप इस तरीके से, इमरान खान ने लगभग 4 साल पूरे कर लिए हैं और इमरान खान को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई नहीं है जनता की, और इमरान खान अभी भी लगे हुए हैं फेंकने को, तो अब देखते हैं इमरान खान का क्या होगा आने वाले इलेक्शन में। हालांकि पाकिस्तान आर्मी का बस गेम चला तो इमरान खान डेफिनेटली इलेक्शन फिर से जीत जाएंगे, इसमें कोई दोरा नहीं है। जैसे लास्ट इलेक्शन हुआ था आपने देखा होगा, उस टाइम पर कई ऐसे वीडियो आए थे जिसमें पाकिस्तान आर्मी मतलब काउंटिंग वाली जगह में स्पेशल तरीके से काउंटिंग करा रही थी, मतलब आप समझ सकते हैं। इसी कारण से अभी पाकिस्तान में पीडीएम एक जो सभी पार्टियों का अलायंस बना हुआ है वो काफ़ी विरोध करता है इस सिलेक्टेड बजीर आजम को। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।